ये बकरे का मगज है। इसके अलावा ये नली है, ये नली है, ये नहरी की ग्रेवी है, ये रोगन है। इसको देखकर ही आपके मुंह में पानी आ जाता है, खाने के बाद तो फिर अलग ही हुआ। और ये बहुत ही एक अच्छा मतलब सबके जो हम यहाँ पर अभी करने के लिए आए कि नहरी का कॉन्सेप्ट ये है कि कहीं पर भी आप दुनिया में चले जाएँ आपको जावेद नहरी का एक आपको एक अलग ही नाम, और उसके बाद में लोग आपको पूछते हैं कि आपने जावेद नहरी कही है, कराची में आप रहते हैं। वेलकम टू जावेद नहरी शरफाबाद ब्रांच। आप मेरे पीछे देख रहे हैं जावेद नहरी, ये नाम कराची का और पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा जो मशहूर नाम है वो जावेद नहरी का। जहाँ भी नहरी का कॉन्सेप्ट जहन में आएगा तो वहाँ पे जावेद नहरी से ही सब कुछ शुरू होता है। तो आज हम आए हुए हैं इनकी अभी नई ब्रांच है, ये शरफाबाद ब्रांच कहलाती है जावेद नहरी की। तो हम आपको यहाँ के खाने का भी बताएँगे, यहाँ का जायका भी, क्योंकि जावेद नहरी का जो एक जहन में हमारे है वो ये है कि जावेद नहरी जैसी नहरी कोई नहीं है। और इसमें कोई शक नहीं कि जो मेन ब्रांच है वो फ्रंट एरिया में। तो अभी हम यहाँ पर खाएँगे भी, आपको बताएँगे कि यहाँ के टेस्ट में वहाँ के टेस्ट में क्या वो है। और दूसरा ये कि जो इन्होंने इस शॉप को जो बनाया है उसका भी मतलब अलग ही मतलब अगर आप देखेंगे तो एक बिल्कुल ही अलग घटक मतलब उन्होंने बनाया है। तो अभी हम खाते हैं, फिर हम आपको बताते हैं जावेद नहरी के बारे में। स्पेशलिटी में आते हैं इसके बारे में तो ये बकरे का मगज है। इसके अलावा ये नली है, ये नहरी की ग्रेवी है, ये रोगन है। और ये जो सब चीज़ें बता रहे हैं ये समझने के आपको जावेद नहरी की ही स्पेशलिटी में आते हैं। देखकर ही आपके मुंह में पानी आ जाता है, खाने के बाद तो फिर अलग ही हुआ। और ये बहुत ही एक अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पर अभी करने के लिए आए कि नहरी का कॉन्सेप्ट ये है कि कहीं पर भी आप दुनिया में चले जाएँ आपको जावेद नहरी का एक आपको एक अलग ही नाम, और उसके बाद में लोग आपको पूछते हैं कि आपने जावेद नहरी कही है, कराची में आप रहते हैं। तो पंजाब में भी जिस तरह बहुत सारे फ्लेवर्स हैं वहाँ पर नहरी के लिए जावेद नहरी बहुत मुश्किल है। तो हमारा यहाँ आने का ये समझ लें हमारा ब्लॉग भी हमारा बन गया, दूसरा ये कि यहाँ के आना हमारे लिए बहुत अच्छा मतलब हो रहा है। कि हम जावेद नहरी पे आएंगे, तो जावेद नहरी के ये जो ब्रांच है ये शरफाबाद ब्रांच जो मैंने आपको बताया उस पर अभी हम मौजूद हैं। और ये अभी हमने जो टेस्ट कर रहे हैं वो है जावेद की नली नहरी जो बहुत फेमस है। वैसे तो उसकी मगज नहरी भी बहुत फेमस है, इनकी सादा भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये कि नली का कॉन्सेप्ट और मगज का कॉन्सेप्ट जो है जावेद नहरी भी बहुत फेमस है। तो उसका टेस्ट मैं आपको बता के बताता हूँ। तो जो रोगन देख रहे हैं ना ये इनकी स्पेशलिटी है। और ये जिस तरह मैंने भी आपको बताया था कि इनके पास जो मगज है वो बकरे का मगज भी ये इस्तेमाल करते हैं। मतलब बहुत ही जिसे कहते हैं ना यूनिक टेस्ट है इनका, और ऐसा टेस्ट नहरी में जो जावेद का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी और नहरी में नहीं मिलता। मैं पंजाब में हम उसका नहरी खाते हैं या और कराची के और मुख्तलिफ उसमें मिलती है नहरी, लेकिन जो जावेद का जो टेस्ट है, जावेद का जो फ्लेवर है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ यूनिक है।
इसीलिए जावेद की नहारी जो है बहुत ज़्यादा कराची में मशहूर है, और ना सिर्फ कराची, जितने भी लोग कराची से बाहर से यहाँ पर आते हैं, पंजाब हो या कहीं भी हो, तो वो भी यहाँ पर आकर नहारी का जरूर टेस्ट करते हैं, जावेद की नहारी। तो अब हम यहाँ की नई ब्रांच का हम सीधा की बात किया, हमारा कि पहला मतलब वो था मौका, तो मैंने कहा मैं आपको ये भी बताऊँ कि इनकी जो नई ब्रांच है वहाँ का टेस्ट भी ऑलमोस्ट वही है जो उस जहाँ पर हम खाते हैं पहले। अभी अगर आप मेरे सामने अगर आप देखें तो मैं मेरे साथ जहर भी आए हुए हैं, जो मेरे साथ बहुत सारी सीरीज़ में आपने जिनको देखा है, ये बहुत ही बड़े फूडी हैं और बहुत ही जिसे कहते हैं ना ये नहारी के बहुत शौकीन हैं, और इन्होंने ही मुझे ये मशवरा दिया था कि आप जावेद की नहारी को ज़रूर कवर करें, तो इनका इसमें बहुत वो है। अच्छा, इनको इस पर लेने का वीडियो का मकसद मेरा ये है कि इनसे मैं पूछूं जावेद की नहारी का इनके जहन में क्या कॉन्सेप्ट है, या जावेद की नहारी को ये किस तरह और कब से ये पसंद करते हैं। गुजर कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम भाई, भाई क्या कहते हैं, जावेद की नहारी तकरीबन मैंने बचपन से खाई है। पहले हम लोग कहते थे शाहफजल कॉलोनी में, समझ लें शाहफजल कॉलोनी में फेडरल भी एरिया आना जावेद की नहारी के लिए, तो कदम से आना तो जावेद की नहारी के साथ वहाँ पर क्यों नहीं होती, बिल्कुल साथ ही आइसक्रीम होती थी, तो वो एक कॉम्बिनेशन बचपन से रहा है। दूसरी चीज़ ये जो टू बी ऑनेस्ट रिव्यू वगैरह देना चाहिए, अगर कोई पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम जावेद नहारी ट्राई करा तो मैं उसके लिए एक रिव्यू ये दूंगा कि पार्सल ना करवाए, मैं उसको एक रिव्यू ऑनेस्टली दूंगा पहले वो यहाँ पे ट्राई करे, ऐसा ना हो पार्सल लिया, क्योंकि जब आप घर चीज़ लेके आते हो ना टाइम लगता है वो चीज़ चेंज हो जाती है, ऐसा ना हो कि आप बोले कि यार वीडियो में तो आप इतनी तारीफें कर रहे हैं और फिर घर पर ले पार्सल करवा के लेके गए हमने मज़ा नहीं आया। तो आपको अगर खानी आपको ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए तो आप यहाँ पर आके खाएँ, आपको 100% मज़ा आएगा। और जावेद नहारी जैसा टेस्ट ना पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं आता, बस यहाँ पर आके खाएं, सुबह नाश्ता हो कुछ भी हो, जावेद नहारी एंड है। तो जैसे भी आपने बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देखा जो जैन ने आपको दिया, ये बहुत ज़्यादा मतलब खाने के शौकीन भी हैं और नहारी के बहुत शौकीन हैं, तो इनका जो रिव्यू है वो बिल्कुल सच्चा है, बिल्कुल सच बिल्कुल राइट है। और वाकई ये जो इन्होंने एक जो कॉन्सेप्ट बताया कि पहले आप यहाँ पर टैनिंग पे करते हैं, मतलब अगर आप घर ले जाते हैं इसको पास ही करवाते तो मे भी थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंस उसमें आ जाता हो, तो इस वजह से पहले आप यहाँ टेस्ट करें और अपनी फैमिली को भी यहाँ लेकर आएँ। तो यहाँ का जो मैंने आपको पूरा मेले वक्त बताया है ये बहुत ही मतलब पॉश एरिया है कराची के, मतलब ये बहुत पॉश एरियाज़ में आता है, शरफाबाद, हैदराबाद, तारिक रोड, ये बहुत मतलब पॉश एरियाज़ हैं, और इन एरियाज़ के अंदर इस टाइप की और नॉन हाइजेनिक एरियाज़ के अंदर अगर आप ये चीज़ें लेंगे तो आपके लिए हेल्दी फूड भी साबित होगा। तो जावेद नहारी का भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जब आप जावेद की नहारी खा लें और बिल्कुल आप यकीन करें मज़ा आ गया, इतनी ज़बरदस्त जावेद की नहारी यार, मैं मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद फिर यहाँ पर खीर भी आप खाएं, और खीर का मैं टेस्ट आपको बताता हूँ। खोपरा डाला हुआ है, और ये मैं बताऊँ ये फिरनी नहीं है, खीर है, यानी जो चावल थोड़ा सा मोटा होता है ना ये वो है। नॉर्मली आपको फिरनी मिलती है ज़्यादातर ऐसी शॉप्स के ऊपर, लेकिन ये फिरनी नहीं, खीर बहुत टेस्टी है, खीर के साथ है, नहारी के साथ ज़रूर टेस्ट करें।